नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मराठी भाषा की फिल्में जिनका कंटेंट हमेशा ही काफी दमदार होता है, लेकिन इन फिल्मों को ऑडियंस का ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता, जिस वजह से ये फिल्में ज्यादा कमाई नहीं कर पाती। लेकिन दोस्तों, साल 2023 में एक ऐसी धमाकेदार मराठी फिल्म आने वाली है जो कि मराठी के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज होने वाली। जी हां दोस्तों, हम बात करें अपकमिंग मराठी फिल्म रोमदल के बारे में, जिसका कि एक फर्स्ट लुक मोशन पोस्टर आउट किया गया था जो कि ऑडियंस को काफी पसंद आया था। और दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मराठी के साथ साथ हिंदी ऑडियंस भी इस फिल्म का इंतजार बेसब्री से कर रही है। जी हां दोस्तों, इस फिल्म के दो गाने रिलीज हो चुके हैं, जिसमें से पहले गाने का टाइटल है मन बादला और उसका एक और गाना रिलीज हुआ जिसका कि टाइटल है भलारी। और इन दोनों ही गानों को ऑडियंस का काफी सपोर्ट मिल रहा है। और आप सभी को बता दें कि इस फिल्म का बजट लगभग 2 से 3 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। इस फिल्म को मराठी सिनेमा के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर गजानन नाना पेटोल के डायरेक्शन में बनाया जा रहा है, जिसके लीड रोल में आपको मराठी सिनेमा के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर भाऊ साहब शिंदे और एक्ट्रेस नेहा सोनवाने दिखाई देंगी। दोस्तों, इस फिल्म को 3 मार्च 2023 के दिन मराठी के साथ साथ हिंदी भाषा में रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म का ट्रेलर आपको फरवरी मंथ के लास्ट में देखने को मिलने वाला है। अगर आपको भी हमारी अपडेट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मूवी न्यूज को।